हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गोहास.इन। कलबुर्गी महानगर पालिका का ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, जहां पर एक हेल्थ इंस्पेक्टर पर अटैक किया जा रहा है। हेल्थ इंस्पेक्टर का नाम धन शेट्टी है, जिन पर यह हमला हुआ है। हमला करने वाले अविनाश भास्कर और राजू पर एफआईआर करने की डिमांड की जा रही है। और ये जो मामला चला है, ये बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऑन ड्यूटी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस तरह से पीटा गया है। बात चल रही है ट्रेड लाइसेंस चलते हुए उन्होंने फोन पर उसे धमकी भी दी धन शेट्टी को, उसके बाद ऑफिस पर आकर इस तरह का हंगामा भी किया। इसी बात चलते हुए कॉर्पोरेशन कमिश्नर भुवनेश पाटिल और सभी डिपार्टमेंट के लोग ने धरना किया और पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि जल्द से जल्द उन पर एफआईआर किया जाए। आइए देखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, सूरत खजाना एंड बाय महाराजा रेस्टोरेंट बिसाइड एपीएफसी कमानगंज। कल 30 अगस्त शाम को 5 बजे हमारे कॉर्पोरेशन ऑफिस में एक घटना हुई है। हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर गणेश शेट्टी है, उनके ऊपर कल 2 आदमी आके अटैक करे। तो वो अटैक होने के बाद इमिडिएटली हमारे स्टाफ पुलिस स्टेशन भी गए थे एफआईआर डालने के लिए, लेकिन वहाँ पे अभी आज सुबह भी मुझे इन्होंने मेमोरेंडम दिया है कि हम पे थोड़ा प्रेशराइज करके आप एफआईआर डालने के बाद हम आपके ऊपर बाहर प्रोटेक्शन लेंगे, पर्सनल अटैक करेंगे करके। इसलिए वो थोड़ा डर के सीनियर ऑफिसर्स का भी, इसलिए हमको या कंडीशन में हमको सपोर्ट चाहिए। इसलिए आज सब मेरे कॉर्पोरेशन का स्टाफ आके मेमोरेंडम दिए है। इसमें मैंने अभी कमिश्नर साहब से भी बात किया है, एसीपी भी यहाँ पे आ गए हैं। तो इमिडिएटली जो ये घटना हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास, अभी मैंने सीसीटीवी फुटेज भी देखा। तो बहुत ही दिल दहलाने वाली ये घटना है। ऐसा कभी भी हमारे कॉर्पोरेशन का स्टाफ या कोई भी गवर्नमेंट स्टाफ हो, हमेशा हम लोगों के साथ पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है। कभी कभी हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो है वो हमारा जो कॉर्पोरेशन का फेस है वो होते हैं। कभी भी किसी को पेनल्टी डालना होता है या फिर किसी के ऊपर एक्शन लेना होता है तो इनको ही आगे आके इनके थ्रू ही हम लोग एक्शन लेते हैं। किसी को फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का वायलेशन किया है तो उसको पेनल्टी डालना है, प्लास्टिक रूल्स का वायलेशन किया है तो उसको पेनल्टी डालना है, बैनर्स किसी ने इलीगल कटआउट वगैरह लगाए हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी डालना है। तो हमेशा हमारे हेल्थ इंस्पेक्टर्स ही इसमें आगे आके कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। तो ये इशू लेके बहुत ही उनके ऊपर भी सामने से कभी कभी प्रेशर आता है, कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं पब्लिक के साथ। तो इस एनवायरनमेंट में इनको कोई भी दबाव ना आके अच्छे से काम करने के लिए उनको एक कॉन्फिडेंस चाहिए। अविनाश भास्कर और राजू बोल के ट्रेड लाइसेंस के संबंध हमारे पास फ़ोन पे 2-3 बार मेरे साथ डिस्कस किया। उनका ट्रेड लाइसेंस जो था उसको रिपोर्ट भी हम डाल के दिए और 4-5 दिन के बाद आके वो फाइल कहाँ है वो सब पूछने के बाद हम मूवमेंट रजिस्टर भी दिखाए उन लोगों को। दिखाने के बावजूद भी मेरे को कल 4 बजे फ़ोन करके ऊँच नीच बात किए, माँ बहन ऐसा बच्चों को किडनैप करूँगा, तेरे को यहाँ जीने नहीं दूँगा, तो थर्ड भी कैटेगरी है वो है, ऐसे गंदे गंदे बात किए सर। करने के बाद मैं बोला सीधा बात करो, बोलने के बाद तू कहाँ है बोल के पूछे तो मैं ऑफिस में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके ड्यूटी के ऊपर से शर्ट पकड़ के ऊपर लेके गए सर, हमारे जो उपायुक्त और कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के कैबिन में लेके जाके एक मारे सर। मारने के बाद सर पूछा कि क्यों मार रहे, वो ऑलरेडी रिपोर्ट करके दिया बोल के मेरे को दिखाया भी ऑलरेडी, मैं फ़ोन पे भी पूछे उनको तो क्यों मार रहे, मारना नहीं ऐसा कुछ भी है तो कंप्लेंट कर सकते मगर मारना नहीं बोल के बोले तो भी नहीं सुने सर, और एक मारे सर। उसके बाद उस दूसरा लोग आके उनको बाहर लेके गए, बाहर लेके जाने के बाद 1.5 घंटा वहाँ पे बाहर रहे, तुम बाहर आओ तेरे को मार के जाता हूँ, चाकू रहे तो मैं अभी इधर मर्डर करता हूँ, ऐसा वैसा बोल के जा रहा था सर। बाद में हम सब मिल के हमारा स्टाफ लोग सब आए, आने के बाद हम पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पे आया सर, वहाँ पे आके भी दरवाजे पे उसके साथ में और कोई था पकड़ रहा था, अंदर जाने नहीं दे रहा तो भी छुड़ा लेके आके मेरे को बाहर तो आओ साले तू कैसा, यहाँ गुलबर्गा में ड्यूटी करता तो थर्ड भी लिंगायत है हम लोग कौन है बोल के तेरे को अभी नहीं मालूम, वो दिखाऊंगा बोल के धमकी डाल के दूसरे लोगों से भी हमारे स्टाफ से बोला कि तुम लोग हमारा होके भी उनको सपोर्ट कर रहे बोल के गंदे गंदे गालियां दे के गए सर। नहीं सर वो क्या है पता नहीं, कैटेगरी बता रहा था तू हिंदू है लिंगायत है ऐसा बोल रहा था सर।
सोच के ऑफिस की तरफ से और यूनियन की तरफ से ये करते सर, हम यहाँ पे अभी हमारे को ड्यूटी करना है सर, और वो लोग यही एक रूट नहीं है सर, उन लोगों को 10 रूट रहता है, आके कुछ भी हमारा दूसरा ये करे तो दूसरों को लगा के फोन लगा के हमारे को झगड़ा करने का कुछ भी ऐसा। हमारा काम तो ड्यूटी सुबह 5 बजे से ही चालू रहता सर, वो बोलता 5 बजे से घूमता ये गली में बोल के भी ऐसा बोल रहा था सर, ड्यूटी करना अभी गलत है ऐसा बोल रहा था सर, इसलिए यूनियन क्या बोलता वो सोच के बोल दिया। आपका नाम बोलिए। धन शेट्टी, हेल्थ इंस्पेक्टर हूँ सर मैं यहाँ कॉर्पोरेशन में। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, सूरत खजाना, एंड बाय महाराजा रेस्टोरेंट बिसाइड एपीएफसी कमानगंज।